स्कूल की रोड है, स्कूल को जा रही है, मतलब पहले से चेंज हुआ है। लेफ्ट साइड पे ई लर्निंग लाइब्रेरी है और राइट साइड पे ये गर्ल्स कैंपस है। ये रोड से हम जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे हम स्कूल में छोटे बच्चा था, स्कूल जा रहा था रिक्शे में। ये बिल्कुल वैसे लग रहा है, रिक्शा के आगे बैठा करता था तो बिल्कुल ऐसे ही लगता था जैसे अब रियल में स्कूल ही जा रहा हूँ। ये राइट साइड पर जो बिल्डिंग्स नज़र आई हैं ये गर्ल्स कैंपस की बिल्डिंग्स हैं, और ये लेफ्ट साइड पे है पार्किंग, गाड़ियाँ वगैरह खड़े होने की ना पार्किंग है, जो अपने बच्चों वगैरह को लेने आती हैं, वैन वगैरह भी इधर खड़ी होती हैं। ये राइट साइड पे आपको नज़र आ गया गर्ल्स कैंपस, और ये राइट साइड पे अब जो शुरू हो रहा है ये हिफ्स कैंपस है, इसके आगे है बॉयज़ कैंपस जहाँ पर हमने जाना है। चले वहाँ पर जाते हैं फिर देखते हैं। वैसे ये बिल्कुल सीधा ही बॉयज़ कैंपस में चली जाती है। ये अपने स्कूल में एंटर हो गया हूँ तो पिछले शहर से एंटर हुआ, अच्छा लग रहा है। ये हाल है जहाँ पे हुआ करती थी, और ये स्कूल है, वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल एडमिन ऑफिस, और ये देखें पीछे हाल नज़र आ रहा है। और ये मैं जा रहा हूँ आगे एडमिन ऑफिस की तरफ, और बात ही और उधर मैंने अपनी मैटर की संद लेनी है, और बड़ी पुरानी यादें याद आ रही हैं, मतलब नेचुरल हंसी नहीं कर रही है, मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है यार। एक एक स्टेप आगे पहुँच गए, तो पहले तो यहाँ पे हमें क्या कहते हैं अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब लग रहा है कि इधर ही होते। ये देखें इस पार्क में भी हम कई बार बैठे हुए हैं, इधर भी हैं। तो ये एक बिल्डिंग है, इसका आगे ग्राउंड है बहुत बड़ा, वहाँ पे हम खेला करते थे, ऐसा लग रहा हूँ। चलें चुंटे वगैरह पड़ी या नहीं, अच्छा लगता है। सेवन्थ येलो होती थी यहाँ, वो पीछे जो क्लास है वो हमारी हुआ करती थी, और सिक्स भी इधर क्लास है वो भी दिखाते हैं सारी क्लासें, ये हमारी क्लास हुआ करती थी। और मैं यहाँ पर भी बैठा हूँ, यहाँ पर भी, एंड पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पे कोने में, यहाँ पे नहीं बैठा, यहाँ पे बैठा हूँ, इस वाली रूम में भी बैठा हूँ। ये है सिक्स रेड, लेकिन ये सिक्स येलो हुआ करती थी हमारे जमाने में। ये पेपर वगैरह हुए हैं उसकी लिस्ट वगैरह। ये मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ, ये पीछे पार्क है, क्या खूबसूरत है ये पार्क है पीछे, और ये पीछे यहाँ पर भी हम खेला करते थे, हमें याद है बड़ा बाग। कमरा अभी सेव है, फोर क्लास, ये मेरी हुआ करती थी फोर क्लास, और दिखाते हैं फोर येलो, छोटा था बड़ा ही छोटा। ये मेरी सीट हुआ करती थी यहाँ पर, एंड वाली सीट हुआ करती थी तब तौर में, ये भी हुआ करती थी यहाँ, मैं यहाँ पर बैठा करता था, ये फाइव है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, यहाँ में बैंड ऑन करवाया करते थे सर, क्या बात है। क्लासरूम में एंटर हुआ, ये एट्थ क्लास ही हमारी, एट्थ वाइट, इसमें नाइन्थ पढ़ाई है थी प्री नाइन्थ, तो इसका हमारा ये फ्रंट बेंच एंड पे नहीं, और इधर भी फ्रंट यहाँ पे, और यहाँ पर मैं दरमियान में बैठा हुआ था, तो यहाँ कंप्यूटर का लेक्चर होता सबसे टफ लगता था, लेकिन आज हम उसकी के स्टूडेंट्स हैं। ये डेट वगैरह लिखने के लिए, और ये यहाँ पर बैंड हुआ करते थे, यहाँ पर जो मार पड़ी है कई बार मुझे याद, यहाँ से अंदर आया हूँ, यहाँ से ऐसे अंदर होते होते
फिर उधर से ऊपर आ गए। ये ग्राउंड है कितना बड़ा, यहाँ हम खेला करते थे। और ये जो पड़ा हुआ ना, ये इसके ऊपर स्पीकर रख के ना यहाँ पे असम्बली हुआ करते थे, असम्बली। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये कंटीन होगी। और यहाँ पे हम खेला करते थे, ये पोल होते थे और एक इधर लगा हुआ है और एक वो बड़ा उधर लगा हुआ है, वहाँ पर हम खेला करते थे जब हम 8th 9th 10th में चले गए थे। तो यहाँ पे 6th तक खेला करते थे, ज़्यादातर लड़के वहाँ भी खेला करते थे, इसलिए वहाँ पे गोल जल्दी हो जाते थे। वो बड़ा पोल है, ये छोटा पोल है, यहाँ पे गोल ही नहीं हुआ करते थे। ये देखे भैया, ये जो पानी है, वाटर है, यहाँ पे ना क्या कहते हैं लोग वज़ू किया करते थे। और यहाँ पे हिफ्स वाले हुआ करते थे, वो वज़ू किया करते थे, तो उनके लिए ये बनाया गया। और ये ग्राउंड है जो बहुत बड़ा है। ये मेरी असम्बली हुआ करती थी, ये स्टेज सब बना हुआ है, इसके ऊपर असम्बली हुआ करती थी यहाँ पे। और फेयरवेल पार्टी जो होती है FSC वालों की, वो इधर हुआ करती है फेयरवेल पार्टी। ये बाइट जाने का एग्जिट, बाइट का रास्ता है, तो बाइट जाते हैं। ये हम DPS है, इसकी बैक साइड नहीं इसकी मतलब राइट साइड पे आ गए हैं। बैक साइड भी लगा लें, लेफ्ट साइड भी लगा लें, जिस एंगल से आप देखना चाहें। तो ये देखें बंद है ये गेट, अब क्या करें। ये DPS है जो स्कूल है जिसके साथ, और ये रहे हैं। तो ये पार्क है, यहाँ पे भी बड़ा खेला करते थे लोग, यहाँ पे लड़ाइयाँ किया करते थे। यहाँ पे मुझे याद है यहाँ पे भी लड़ाई हुआ करती थी, तो मतलब ये जो तंजीमों वाले होते हैं। अलबत्त यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत मंजर है, ये पार्क है DPS के बिल्कुल साथ। वो किया हुआ है तो विला मतलब द्वार तो टूटी गया, उससे हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन परमिशन नहीं है, ऐसे नहीं जा सकते, मतलब जाएंगे नहीं विदाउट परमिशन, नहीं जाना। यहाँ पे मुझे ना 3 ईयर्स पूरे हो गए थे, तो मैं अपने ना संद लेने के लिए आया था। तो ये DPS है पीछे, और मैंने कहा चलें संद वगैरह भी ले लें और साथ में व्लॉग वगैरह वीडियो भी शूट कर लेंगे। काफ़ी मज़ा आया, मतलब पुरानी क्लासें, पुरानी यादें और वही ग्राउंड वगैरह देखकर। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन और ज़्यादा वहाँ पे ये नहीं कर पाया, वीडियो वगैरह नहीं बना पाया ड्यू टू अ रीज़न, कोई सिक्योरिटी रीज़न। अब मेरे से उन्होंने क्या मतलब, वैसे गार्ड ने तो मुझे कहा है कि भाई इधर से संद ले और इधर से होके इधर निकल जाए, लेकिन फिर भी मैं अंदर गया हूँ, थोड़ी सी मैंने वीडियोज़ वगैरह बना ली हैं, तो बस यादें अपनी कैप्चर कर ली हैं, इसके अंदर सेव कर ली हैं। तो ये एक वीडियो है, अब हम जा रहे हैं वापस, संद वगैरह मिल गया, उसको अटेस्टेड वगैरह कराने हैं, फ़ोटो कॉपी करवाएंगे, फिर अटेस्टेड करवाएंगे और फिर सब कुछ वापस है। अभी मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, सिटी की तरफ। जी संद वगैरह ले ली है, अटेस्टेड भी हो गया, अब घर वापस जा रहे हैं। चलो चलते हैं, एंड करते हैं, फिर अगली बार मिलते हैं। I just been shopping out there, got the new shoes, my socks, dark shit, got a portion. I finessed till I came up a fortune. I can't stop till I'm back in the portion.